भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, और बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भी वतन के काम आता है, खून भी वतन के काम आता है। मैं आप सभी से एक छोटी सी बात पूछूंगी, क्या ये देशभक्ति रागनी ठीक लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो हमारे नौजवान साथी बैठे दो चार, शायद इनको अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं जी, मैं इनकी फीलिंग भी समझ रही हूँ, ये क्या चाह रहे हैं। अगर आप सभी की इजाजत हो एक छोटी सी बात इनके लिए कह देता हूँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? और वो बात कौन सी होगी कि कहते हैं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? ओहो, देख सनम का नाम लेती चेहरे पे मुस्कान आ गई कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? अरे दो गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे तन के लिए, अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, अरे हसीना भी उतार देंगी दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए। क्या बताया? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, we'll be right back।
एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने। आजादी का किला चिनी, आजादी का किला चिनी, आजादी का किला चिनी, आजादी का किला चिनी। भगत सिंह जैसा पुत जने, भगत सिंह जैसा पुत जने, कौन जहान में भगत सिंह को छोड़ के भी जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी होगा। लेकिन कहते हैं कि मरने मरने में भी फर्क होता है। कोई इंसान तो ऐसे मर के जाता है कि उसे तो गांव के दो चार जो होते हैं ना, उनको ही पता नहीं चलती कि फलाने घर में फलाना मर गया। और एक वो मरना होता है कि पूरा गांव, तो क्या पूरे देश को पता चल जाता है कि फलाने का बेटा फलाना मरा है। प्रेमी चंद्र भगत सिंह की माँ भी कहने लगी, बेटा अगर तू तो कल मरता हो तो आज मर जाइए, मेरी आंखों में इतना सभी आंसू नहीं आएगा। क्या कहने लगी लास्ट बात के बाद